हेलो नमस्कार। आज हम आपको एप 7 जनरल फंक्शन की के बारे में बताएंगे, इसका यूज़ क्या होता है। और देखो, इसमें जब भी स्थायी संपत्ति परचेज करना हो, बिल्डिंग परचेज करना हो, कार परचेज करना हो, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना हो, और माल आग से नष्ट हो जाता है, डोनेट करना होता है, ड्रॉइंग करना होता है, तो ये सारी जनरल जो एंट्री होती है वो एप 7 जनरल फंक्शन की में होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर परचेज करेंगे, हमने एक कंप्यूटर पहले 18,000 रुपये खरीदा हुआ है, अब हम 22,000 रुपये का एक और कंप्यूटर खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 40,000 रुपये हो जाते हैं। अब क्या लिखेंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय कैश, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस शीट में जाके देखते हैं हम कि हमारा जो बैलेंस कितना हो जाता है। अल्ट के साथ में F1 करते हैं और हमारे पास जो कंप्यूटर का बैलेंस है वो 40,000 रुपये हो जाता है। अब हम चाहते हैं 31 मार्च को इस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें क्या करना है, F7 जनरल में जाना है और डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये का 10%, जैसे 4,000 रुपये लग गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। तो कंप्यूटर के नाम से हमारा डेप्रिसिएशन लग जाता है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर। अब देखो इसका बैलेंस आगे देखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका बैलेंस है वो कम हो जाएगा कंप्यूटर का हमारे 36,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 4,000 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे हम तो इसका बैलेंस जो है वो डेप्रिसिएशन में और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका माल आग से नष्ट हो जाता है तो F7 जनरल में जाएंगे, जैसे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500 रुपये, परचेज 500 रुपये ये अपने आ गए हैं, ये माल आग से नष्ट हो गया अपना, और इसके लिखेंगे बिंग गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है। देखने के लिए अपने स्टॉक समरी में जाएंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अल्ट के साथ में F1 लॉस बाय फायर एंटर करोगे आप, इसमें 500 रुपये का यहाँ जला हुआ है और 1,000 रुपये का यहाँ जला। अब हम अगर करेंगे कि डोनेशन डोनेट कर देते हैं माल को, तो ऊपर डोनेशन पर क्लिक करेंगे, 200 रुपये का एंट्री करेंगे, परचेज ठीक है 8 पीस 200 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बीइंग डब डोनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से डब भी हमने डोनेट कर दी है। और बैड डेबिट्स, अगर मान लीजिए आपने वाई पार्टी को माल बेचा है तो वाई पार्टी पे जाएंगे, और जैसे आपने एक्स पार्टी को माल बेच दिया है, सेल्स रीजन में सेल्स नेम ऑफ आइटम में जैसे आपने डब बेचा है 10 पीस, अब 300 रुपये का आपने वाई जेड एक्स पार्टी को माल बेचा है और उसमें से वो आपको 200 रुपये ही देता है, 100 रुपये आपके डूब जाते हैं। तो देखो F6 रिसिप्ट में जाते हैं, कैश और एक्स पार्टी 300 रुपये में 200 रुपये आपने दे दिए उसने और 100 रुपये आपको वो नहीं दे रहा है, तो आपकी बैड डेबिट्स हो गई। देखिए इसकी F7 जनरल में एंट्री करते हैं, तो बैड डेबिट्स अकाउंट 100 रुपये और वाई पार्टी एक्स पार्टी, ठीक है, ये बैड डेबिट्स में आपकी एंट्री होगी इसमें। अब ये बैड डेबिट्स अगर 31 मार्च से पहले दे देता है तो इसकी एंट्री भी बैड डेबिट्स रिकवर के नाम से आती है, तो कैश अकाउंट डेबिट
₹100 और फिर बैड डेबिट्स, ठीक है। तो ये बैड डेबिट्स रिकवर। इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। तो डोनेशन करना, अब हम कोई इन्वेस्टमेंट में परचेज कर सकते हैं। तो जैसे इन्वेस्ट प्रॉपर्टीज करनी है अपने 2 लाख, तो 1 लाख रुपए गोल्ड परचेज कर सकते हैं हम कैश, और लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज बाय कैश, ठीक है। और वेट एडजस्टमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं, जीएसटी के एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एफसीएन जनरल में बहुत सी हम एंट्री कर सकते हैं। और आज हम आपको नॉर्मल एफसीएन जनरल की एंट्री के बारे में बताया है। आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।